मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, और न सिर्फ बड़ौदा लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 1100 से अधिक स्थानों पर 40 लाख से अधिक देश की एकता के लिए दौड़ने वाले एकता के सभी सिपाही, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप सब कहेंगे अमर रहे, अमर रहे सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। आज भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले महापुरुष सरदार वल्लभ भाई की पुण्यतिथि है। सरदार साहब ने देश को जोड़ने के लिए अपना जीवन खपा दिया था। जब वो आजादी का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को आजादी के आंदोलन में जोड़ने का भगीरथ प्रयास किया था। जब देश आजाद हुआ तो देश की पूरी शासन व्यवस्था को अंग्रेजी मानसिकता से मुक्ति दिला करके भारत के कोटि कोटि जनों की सेवा के लिए प्रेरित किया था। देश आजाद होने के बाद अंग्रेजों ने जो विघटन के बीज बोए थे, जो जहर फैलाने की कोशिश की थी, भारत को उस विघटन के बीच से मुक्ति दिला करके एकता के सूत्र में परोया था। सरदार साहब ने 565 रियासतों को एक करके आज जिस भारत मां का हम गौरव कर रहे हैं, वो भारत मां का रूप सजाने का, सवारने का भगीरथ काम उस महापुरुष ने किया था। जब हम महात्मा गांधी का स्मरण करते हैं तो महात्मा गांधी को याद करते ही सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, सादगी, सत्याग्रह, यही सारी बातें महात्मा गांधी को स्मरण करते ही हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, प्रेरणा देती हैं। और जब जब हम सरदार साहब का स्मरण करते हैं, सरदार साहब को याद करते हैं, सरदार पटेल को याद करते हैं,
तो हमें एकता, सुराज्य और किसान, इनकी याद आना बड़ा स्वाभाविक होता है। सरदार साहब ने जीवन किसानों को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने के लिए लगाया था। सरदार साहब ने सुराज्य के बाद सुशासन को प्राथमिकता दी थी। सरदार साहब ने एकता की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए अपना जीवन खपा दिया था। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और हमारी विविधताएं, ये भारत की विविधताएं, ये हमारी विशेषताएं हैं, ये हमारी विविधता नहीं है। इन विविधताओं में एकता का स्वर, एकता का मंत्र, एकता का रक्त सदियों से बहता आया है। उन्हीं विविधताओं का सम्मान करते हुए, उन्हीं विविधताओं का आदर करते हुए, उन्हीं विविधताओं को पुरस्कृत करते हुए भारत की एकता की नींव को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखना, ये हर पीढ़ी का दायित्व है, हमारा भी दायित्व है, आने वाली पीढ़ियों का भी दायित्व है। भाइयों बहनों, ये हमारी विविधता, ये हमारी शक्ति है। कोई ये गलती ना करे कि भारत की विविधता ये कोई कागजी गुलदस्ता है। ये भारत की विविधता, ये भारत की शक्ति का स्रोत है। ये विविधता हमारी सिर्फ पहचान नहीं है, ये विविधता हमारी परंपरा है। ये विविधता हमें शक्ति संजोने का सामर्थ्य देती है और इसलिए इन विविधता को एकता के मंत्र से जोड़ना, संजोना, सजाना, इस काम को आगे बढ़ाना हर देशवासियों का कर्तव्य है। देश को एकता की प्रेरणा मिलती रहे, एकता के लिए जीवन खपाने वाले सरदार साहब से बढ़कर के एकता के लिए कोई प्रेरणा मूर्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए गुजरात की धरती पर पैदा हुए भारत के इस महान सपूत को एक प्रेरणा मूर्ति के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करें, एकता का मंत्र गूंजता रहे, एकता के लिए जीने जूझने की आदत बने। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात की धरती पर निर्माण करने का हम सब ने संकल्प लिया है। सरदार साहब एकता की मूर्ति थे, एकता के प्रतीक थे, एकता की प्रेरणा थे और इसीलिए इस एकता का स्मारक बनाने के लिए, ये प्रेरणा स्थल बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों को जोड़ने का अभियान उठाया है। भारत का भविष्य 3 मूलभूत बातों पर निर्भर रहने वाला है। अगर हमें प्रगति करनी है, विकास करना है, अगर हमें दुनिया में महाशक्ति बनना है,
तो ये आ सेतु हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान में एकता, ये हमारी पहली आवश्यकता है। हमें अगर विश्व की महासत्ता बनना है तो हमारे लिए सुशासन, सुराज, गुड गवर्नेंस, ये समय की मांग है और आने वाली सदियों की वो नींव है। और इसलिए सुराज पर हमने बल देना है। और तीसरी बात है, भारत की परंपरा सरकारों के आधार पर चलने वाली परंपरा नहीं है। भारत की परंपरा जन भागीदारी से आगे बढ़ने की है। 125 करोड़ देशवासियों की हिस्सेदारी, लोक भागीदारी, जन भागीदारी, इसी बात को आगे लेकर के, इन तीन मूल आधार को लेकर के हम इस भारत माता को विश्व की एक महासत्ता के रूप में उभारने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए इस पूरे अभियान में इन बातों को बल दिया है। एक ऐसा अभियान है मेरे भाइयों बहनों, जब पूरा हिंदुस्तान ये वडोदरा नगरी से ये संदेश सुन रहा है, सारे हिंदुस्तान की आजादी के बाद इतना बड़ा जन आंदोलन एक रचनात्मक काम के लिए हुआ हो, ये पहली घटना है। देश के 7 लाख गांवों से किसानों ने जिस औजार से खेती की है, उस लोहे के औजार का एक टुकड़ा इस महान मूर्ति की रचना के प्रोजेक्ट में उपयोग में लाया जाएगा, देश के जन जन को जोड़ा जाएगा। इस अभियान के अंदर ये जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है, आज हिंदुस्तान में 1100 से अधिक स्थानों पर 8 से 11 बजे के बीच में 40 लाख से अधिक एकता के सिपाही आज दौड़ने वाले हैं। मैं बड़ौदा के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं। ये एकता के सिपाही हैं, देश की एकता के लिए कुछ करने की इच्छा रख करके, संकल्प लेकर के ये दौड़ने वाले लोग हैं। और भाइयों बहनों, आने वाली पीढ़ी को भी एकता के मंत्र से जोड़ना है। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 2 लाख स्कूलों का संपर्क किया है। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 2 लाख स्कूलों में एकता पर निबंध स्पर्धा होगी। सभी भाषा के, सभी पहनावे के, सभी खान पान से जुड़े लोग, वो नई पीढ़ी एकता के मंत्र पर निबंध लिखेगी। और करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम विजेता स्कूलों को दिए जाएंगे। करीब करीब 5,500 स्कूलों को पूरे देश में इनाम मिलने वाला है। एकता के मंत्र को घर घर पहुंचाने के लिए नई पीढ़ी को भी जोड़ने का अभियान है। सरदार साहब लोह पुरुष थे, उस प्रतीक को लेकर के लोहा मांगा जाएगा। सरदार साहब किसान थे, इसलिए किसान पुत्र के रूप में सभी किसानों से खेती के काम में आया हुआ औजार का लोहा मांगा जाएगा। देश की एकता का काम किया था, इसलिए 7 लाख गांवों को जोड़ा जाएगा। भाइयों बहनों, एक भगीरथ काम का आज आरंभ हो रहा है। फरवरी तक इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। गांव गांव जाकर के सरदार साहब के उन महान प्रयासों से एकता के मंत्र को फिर से एक बार जगाने का प्रयास करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मेरा ये विश्वास है कि गुजरात आज आगे बढ़ा है।
उसका कारण है गुजरात की एकता। गुजरात आगे बढ़ा है उसका कारण है गुजरात में सद्भावना। गुजरात आगे बढ़ा है उसका कारण है गुजरात में शांति। शांति, एकता, सद्भावना, इस मंत्र को लेकर के 12 साल के भीतर भीतर गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है। हिंदुस्तान भी कर सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। आइए नौजवानों, सरदार साहब के सपनों को पूरा करने के लिए एकता के मंत्र को हमारे जहन में उतारना है। एकता का मंत्र हमारी रगों में दौड़ता रहे। एकता का मंत्र हमारे हर सपनों को सजाता रहे। एकता का मंत्र हमारे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सहारा बनता रहे। इस एकता के मंत्र को गूंजता करना, एकता के सपने को साकार करना, विविधता से भरे हुए देश को एकता ही एक विश्व शक्ति के रूप में उभार सकता है। इस सपनों को पूरा करने के लिए आज सरदार साहब की पुण्यतिथि पर उनको उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि एकता के मंत्र से देकर के हम सब आज दौड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दौड़ना है जोड़ने के लिए, जन जन को जोड़ना है, एक एक प्रदेश को जोड़ना है, एक एक गांव को जोड़ना है। हर भाषा भाषी, हर खान पान, हर प्रकार का पहनावा ये हमारी शक्ति का रूप धारण करे। इसी एकता के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं देश भर में इस एकता के काम में जुड़े हुए, इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपने आप आगे हुए जिम्मेवारियां उठाने वाले देश के लाखों लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये कार्य गुजरात से निमित्त होगा, ये कार्य 125 करोड़ देशवासियों का है। ये कार्य की शुरुआत भले गुजरात से हुई हो, लेकिन ये कार्य 125 करोड़ देश के सपनों को पूरा करने का प्रयास है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस पवित्र प्रयास को कृपा करके राजनीति के तराजू से न तोला जाए। ये राष्ट्रभक्ति का काम है, ये राष्ट्रनीति का काम है, देश को जोड़ने का काम है। दल कोई भी हो, विचार कोई भी हो, विरोध कितने ही क्यों न हो, लेकिन देश के लिए तो एकता ही हमारी आगे बढ़ने की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और इसलिए इस सबसे ताकतवर जड़ी बूटी को लेकर के, एकता की सबसे बड़ी ताकतवर औषध लेकर को भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना। और जितना ऊंचा सरदार साहब का स्मारक होगा, उतना ही ऊंचा पूरे विश्व में हिंदुस्तान का स्थान होगा। इन सपनों को लेकर के आगे बढ़े। फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, सरदार पटेल। पूरी ताकत से दो बार बोलिए, अमर रहे अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मैं कहूंगा विविधता में एकता, आप कहेंगे हिंदुस्तान की विशेषता। विविधता में एकता, विविधता में एकता,
विविधता में एकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके ऋणी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कविवर हरिवंश राय बच्चन सरदार साहब के लिए कहते हैं, यही प्रसिद्ध लोह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शीला अटल।